आर्यन खान ड्रग्स मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आर्यन खान ड्रग्स मामले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई हुई, एनसीबी के दो अफसरान को सस्पेंड किया गया। जांच अफसर वीवी सिंह सस्पेंड हुए हैं, जांच अफसर आशीष रंजन प्रसाद को भी सस्पेंड किया गया है। मुश्तबा सरगर्मियों में मुलव्वज़ होने के सबब कार्रवाई की गई। तो आर्यन ड्रग्स केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। आर्यन खान ड्रग्स मामले से बड़ी कार्रवाई हुई है, एनसीबी ने दो अफसरान को सस्पेंड किया है और तफसीली जानकारी के साथ अंकुर त्यागी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अंकुर, क्या खबर मिल पा रही है इस हवाले से? इस पूरे मामले में दो सबसे बड़े अधिकारी हैं। हम जो पहले अधिकारी थे, हमने देखा था कि समीर वानखेड़े जो कि जोनल ऑफिसर थे, जोनल डायरेक्टर थे इस पूरे मुंबई एनसीबी के, लेकिन उनके अंडर में जो दो सब कोऑर्डिनेट थे वो सुपरिटेंडेंट वीवी सिंह थे और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे वो आशीष रंजन थे। ये दो अहम किरदार जिन्होंने पिछले डेढ़ साल में बड़े बड़े केसेस में समीर वानखेड़े जो तत्कालीन जोनल डायरेक्टर हुआ करते थे उनके साथ मिलकर कई बड़े केसेस क्रैक किए। आर्यन खान का इसमें मेंशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आर्यन खान के बाद ये पूरी की पूरी टीम कहीं ना कहीं बैकफुट पे गई, ट्रांसफर कर दिया गया समीर वानखेड़े का। और अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि सुपरिटेंडेंट दिलीप सिंह और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आशीष रंजन, इन दोनों को फिलहाल इमीडिएट इफेक्ट के साथ इनको सस्पेंड किया गया है। वीवी सिंह जो सुपरिटेंडेंट है उनको फिलहाल गुवाहाटी में जो हेडक्वार्टर है एनसीबी का वहां पर फिलहाल रिपोर्टिंग के लिए कहा गया है और अब यहाँ से जो आगे की कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। जी, तो अंकुर किस तरह की खबर मिल पा रही, क्योंकि अब दो मेन जो अहम अफसरान थे उनको सस्पेंड किया गया है, तो कैसे और ये जांच जाती दिखाई देगी, किस तरह से अब तकरूरी की जाएगी नए अफसरान का, कुछ नाम सामने आ रहे हैं? देखिए फिलहाल ये कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा कि कौन इनकी जगह पे लेगा या किस तरीके से कार्रवाई अब आगे बढ़ेगी, लेकिन ये दोनों जो ऑफिसर्स हैं ये मुंबई एनसीबी की कहीं ना कहीं तो रीढ़ की हड्डी है क्योंकि बहुत अच्छा इनका जो नेटवर्क रहा है पिछले डेढ़ साल में, जितनी भी बड़ी कार्रवाई हुई है उनमें ये दो ऑफिसर्स लगातार समीर वानखेड़े जो कि तत्कालीन जोनल डायरेक्टर हुआ करते थे उनके साथ मिलकर सब कोऑर्डिनेट के तौर से काम किया करते थे, लेकिन अब इनको यहाँ से जो सस्पेंड किया गया है ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है यहाँ पर। बिल्कुल, तो आर्यन खान केस से जुड़ी बड़ी कार्रवाई, यहाँ पर दो अफसरान को सस्पेंड किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारी का।